हिंदू जागरण मंच द्वारा पूरे मालवा प्रांत में मस्जिद लाउडस्पीकर से हो रही अजान के कारण हो रहे ध्वनि प्रदूषण के विरोध में प्रत्येक थाना इकाई पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसी परिक्षेप में आज दिनांक 29/1/2022 को हिंदू जागरण मंच इकाई बाग के द्वारा ज्ञापन दिया गया। मस्जिदों के लाउडस्पीकर के अत्यधिक ध्वनि से बच्चों की पढ़ाई एवं वृद्ध हृदय रोग से पीड़ित एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। अतः हिंदू जागरण मंच अतिशीघ्र मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाया जाए। ज्ञापन का वाचन संदीप जी बामनिया के एवं आभार तरुण जी कानपुरिया ने किया। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं सैकड़ों समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। उक्त जानकारी थाना इकाई के युवा वाहिनी प्रमुख राजा जी ठाकुर ने दी। ज्ञापन के अनुसार नगर में जितने भी मस्जिद है सब में एक साथ समय पर माइक चालू होने से तीव्र ध्वनि प्रदूषण दिन में कई बार होता है। इससे आम जनता पीड़ित है। मस्जिदों में प्रतिदिन मानक ध्वनि नियमों के अधीन ध्वनि प्रदूषण होता है। उच्च न्यायालय के निर्णय क्रमांक 4792/2005 राजेंद्र कुमार वर्मा के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन में ध्वनि प्रदूषण संबंध में मानक स्थापित किए गए थे, जिसमें तहत संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) एवं अनुच्छेद 21 को ध्वनि प्रदूषण से जीवन की हानि को जोड़ा जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 51(a)(g) के मौलिक कर्तव्य के पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी है कि ध्वनि विस्तारक होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी जानलेवा माना गया। बाग से राहुल सी राठौर की रिपोर्ट। जागरण मंच युवा वाहिनी प्रमुख, हम इसलिए आए हैं जैसे बाग में मस्जिदों पे माइक वगैरह स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, जिसके कारण से गाँव वासियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है। जिन्होंने कई बार हमको ये चीज़ का बोला था कि हटवाओ, ये करो वो करो, सब जगह बोलने के बावजूद आज सब जगह ज्ञापन दिया गया पूरे मध्य प्रदेश में। तो उसको देखते हुए आज बाग नगर में भी हमने ज्ञापन देने की सोची और आज ज्ञापन देने हम आए, और ये सभी जितने भी हिंदू भाई हैं सभी को दिक्कत है और सभी इसीलिए आए हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी हटा दिया जाए, क्योंकि उससे सबको प्रॉब्लम हो रही है। किसी को पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को पूजा पाठ में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं में ना कहीं में सभी को दिक्कत है। तो हमारी क्या है कि थाना प्रभारी से विनती है, निवेदन है कि हमारी जल्दी से जल्दी कार्रवाई को पूरा करें और इस चीज़ को जल्दी बंद करवाएं।